दानिश साहिल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। प्रोजेक्ट बन जाते हैं लेकिन जहाँ तक पहुँचना होता है वहाँ पहुँचते नहीं हैं। ऑन एयर हो गया शो और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है जी। साहिल क्या कहना चाहेंगे आपकी, ये उम्मीद थी? मतलब उम्मीद ऑफ कोर्स हम जब काम करते हैं, जब स्टोरी सुनते हैं तो सबको यही उम्मीद होती है कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा काम होगा। अच्छा हुआ, सब कुछ सही हुआ, बट इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था कि एमएक्स प्लेयर पर ये स्ट्रीम हो रहा है एंड बहुत से लोग इसको देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं वैसे कहता हूँ कि बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आते हैं, बनते हैं, बट वो कभी रिलीज़ नहीं हो पाते, बट ये सब कुछ अच्छा हुआ है भगवान की दुआ से एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जो रिस्पांस आ रहा है लोगों का वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लाइक हर रोज़ नए नए लोग जुड़ रहे हैं इस सीरीज़ के लिए हमारे साथ, तो दैट्स सरप्राइजिंग एंड दैट्स वेरी हैप्पी आल्सो मोमेंट फॉर अस। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग को सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उस जगह पर जहाँ पर हम लोग ने शूट किया है महोबा उत्तर प्रदेश, कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी सीरीज टॉप पे चल रही है अभी और बाकी की लोकेशन बहुत प्यारी थी जो हम लोग ने शूट किया है, आप लोग देखिए एक बार ज़रूर, मज़ा आएगा। साहिल क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं क्योंकि आप शो ऑन एयर हैं, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है? मतलब मेनली इसमें ये आ रहा है कि मैंने बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करा है, मैंने पुलिस वाले का रोल प्ले करा है, बहुत ही शांत है, बहुत ही दिमाग वाला है, बहुत अलग कैरेक्टर है, तो वो चीज़ में जब लोग मुझे देख रहे हैं तो उनको और सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि अभी तक जो लोग मुझे देखते हैं तो वो कॉमेडी में देखा है, रोमांस में देखा है, बट एक सीरियस रोल में इस सीरीज़ की वजह से अब मुझे देख रहे हैं लोग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि बहुत बार होता है कि एक्टर बहुत चीज़ें परफॉर्म कर पाता है बट आपको हमेशा वो याद रहता है उस कैरेक्टर से जो आपने देखा है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर ले लीजिए या कोई भी और ले लीजिए, बट परफॉर्म करने के वे में आता है तो हम एज एन एक्टर कुछ भी कर सकते हैं, तो वही मैंने अच्छी कोशिश करने की कोशिश करी थी कि एक पुलिस वाला, एक सच्चा पुलिस वाला बनूं और अपने कुछ चीज़ें भी मैंने उसमें डाली थी और वो सक्सेसफुल हुई, लोगों को बहुत पसंद आई, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि लोगों को पुलिस वाला पसंद आया है। जिस तरह की पॉजिटिव नोट पे सब कुछ चल रहा है, सीक्वल बनाने की तैयारी है? बिल्कुल, अगर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, हम लोग के पास ऑलरेडी सेकंड सीज़न का रेडी है स्क्रिप्ट और अगर चीज़ें अच्छी रहती हैं तो मतलब जब मैं पहली मीटिंग में गया था तभी ये बोल दिया था कि ये फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न भी जो राइटर थे उन्होंने बता दिया कि मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, आठवें एपिसोड जब एंड होगा तब आपको समझ में आएगा कि यार अभी और क्या है, तो आप ऑलरेडी आपको सेकेंड सीज़न देखना ही पड़ेगा, बट ये इंशाल्लाह तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिलेगा। हाँ वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं पहली ही मीटिंग में गया था तभी पता था कि सेकंड सीज़न भी है, सेकंड सीज़न भी रेडी है साथ के साथ, जो राइटर थे उन्होंने बताया था, दानिश ने बताया था, तो ऑफकोर्स अगर जैसे अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे ही चलता रहा तो इंशाल्लाह जरूर वो तो बनना ही है। सेकंड सीजन तो मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी राइटर जी तो सेकंड थर्ड फोर्थ काफी चलता रहेगा, मिसिंग चैप्टर चलता रहेगा एंड आप लोगों की सपोर्ट रहे और एमएक्स की सपोर्ट रहे। थैंक यू जी, थैंक यू, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद शो नेक्स्ट लेवल पे आ गया। एक अच्छी बात है, मैंने दानिश और साहिल से भी कहा किसी भी शो का उसकी मदद तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जहां वो पहुंच गया इस बात की कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इतनी उम्मीद थी कि लोग इतना सराहेंगे? अब तो बनने पे तो हाँ थी, वाइब आई थी जब एक्टर हाँ, सेट काम करते हैं हाँ लोगों का, इवन जब ये पोस्ट प्रोडक्शन में था तो भी इतने मैसेजेस आते थे कब आएगी मिसिंग चैप्टर, कब आएगी, तो वो जैसा रिस्पॉन्स आ रहा था ना, था उम्मीद की हाँ चलेगी। What was your first reaction the moment it went on air on Next Player? और आपको सबसे best compliment क्या मिला? Obviously एक एक्टर को एक्टिंग के लिए जब लोग बोलते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, और एक्चुअली मैं थोड़ा शॉक हो गई थी क्योंकि ये सडनली आया ना, सडनली ऑन एयर हुआ तो थोड़ा सा यार अचानक से ऐसा, बट अच्छा लगा। अब क्या रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या खास है ऐसा जो लोगों को लुभा रहा है सीरीज के अंदर, क्योंकि सीरीज तो अभी आउट हो चुकी है सबको पता ही है। हाँ सब कुछ है, इवन इस पे थोड़ी कॉमेडी भी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है,
एक नया कंटेंट है, तो ओवरऑल पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए सब कुछ है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या आगे किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम? हाँ, इसके बाद एक फिल्म है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं नहीं दे सकती, बट आ रही है फेब में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।